जाते हैं, बड़ा काली दीवारें और बड़ा ख़राब, अंदर एक बुड्ढा बैठा हुआ था बाबा, बाहर एक तवे पे आलू की टिक्कियाँ रखी, आलू की टिक्कियाँ उसकी बड़ी मशहूर है, लोग खाते हैं कटलेट, कटलेट आउट टिक्कियाँ आलू छोटे छोटे आलू टिक्कियाँ क्या कैसे रोक देता था कटलेट क्या बात है क्या। अच्छा मैं उधर से गुजर रहा था, चाट खाने जा रहा था, तो मैंने उसको रुक गया, मैंने यार चलो चाट में आलू की भी दो कबाब डलवा दी, मैं उधर आ गया, मैंने कहा दो पता बैठा, मैंने जी रौनक तो कोई नहीं इतनी, तुम कल ही हो पैसे है ही भेजते हो समोसे, दुकान थोड़ी इतने रीगल चौक पीछे कितनी पुरानी, मतलब बड़ी पुरानी, मैं कहता हाँ यादें क्यों हैं रेस्टोरेंट का नाम, कहना देखो गल है बार आ गया, मैं लिखूंगा ये वाक्य, बल्कि लिख दिया है मैंने उसको लाऊ, कहते हैं वो सामने की है लक्ष्मी मिल साल से मणको साहब रहते हैं बीडर रोड के बच्चे हैं और सामने, मैं क्या जी मैं शोरश कश्मीरी भी इतने आता हूँ, कैरी होम लंच होटल से रेस्टोरेंट उतने भी फैज साहब आते थे रोटी खाने, फितरत बुखारी फलाने फलाने, वो इतने गुजरते सन तो मंडो ने इतने चाह पीतिया ने, सुरेश कश्मीरी ने चाह पीतिया, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने चाह पीतिया, तो फलाने ने पीतिया, हूँ बंदे नहीं रहे सिर्फ यादा ही रह गई यार, मैंने कहा ये क्या क्या है यार, ये बंदा है राइटर है ये, तो मलंग टाइप, मतलब मलंग तो नहीं बड़ा ठीक आदमी था, लेकिन वो बस आलू के कबाब भेजता था, मेरा होटल लक्ष्मी चौक में बंदा चने बेचते हैं, तो अक्सर लोग आकर बैठते हैं, तो पिछले पास वो फलसफियाना बात कर जाता है, और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बंदे कहा कि इतनी कौन सी चीज़ आ गई घर, बंदा वहाँ से बैठता है बड़ी फलसफियाना बात करता है, तो उन्होंने कहा कि थड़े पर बैठना होता है तो मैं क्यों ना मगरब के बाद जाऊँ, वो कुछ 7:30-8 बजे तक उसके पास गए, तो एक प्लेट चने दे दो, उन्हें दे दिया रोटी दे दो, उन्हें दे दी, उन्होंने कहा कितने पैसे, कहता नहीं मैं वैसे भी नाले छुटने सर, बस ख़त्म हो गया काम, में नाले छुटने सर तू खा के, तो कुछ जुमला मिल जाता है किसी से कि देखो बेनियाजी देखें उसमें कनाब देखें, सर वो कटलेट वाला ज़रा दोबारा बता दें, कटलेट वाला उन्होंने कहा ना कटलेट, तो मैं एक जगह ऐसे मैंने आलू की टिक्कियाँ कहा तो उन्होंने कहा आलू की टिक्कियाँ नहीं कटलेट्स इंसेंट होती है आलू की, मैंने कहा कि मैं अपने आप को ठीक करूँगा, मिर्जा साहब का जो स्टाइल है ना वो कमाल है, मैं तो कटलेट ही है, अपने आप को ठीक करूँगा और किसी और को देखा उसको भी ठीक करूँगा, तो मैंने राणा साहब को आज ठीक किया, मैंने वो चेक किया शेर था वाला मामला था, नहीं किसी का शेर सुनाते हुए आदमी कभी शर्मिंदा नहीं होता, आप सिगरेट तो नहीं पीते, स्मोकर की एक खूबी होती है, स्मोकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी होगा तो आपसे सिगरेट मांगे, ये उसकी आदत है कि वो चाहे सदर ममलिक हो तो सिगरेट नहीं हो ड्राइवर से सिगरेट आते हैं, नंबर वन, नंबर दो स्मोकर किसी सिगरेट पीने